जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवे के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 22 ट्रेनों को अपग्रेडेशन वर्क के चलते रद्द कर दिया गया था, लेकिन रेलवे के इस निर्णय पर छत्तीसगढ़ के सीएम व सभी सांसद मंत्रियों के द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई, जिसके चलते रेलवे ने 60 ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू करने जा रहा है। कौन कौन सी ट्रेनों को चलाया जा रहा है, कब से चलाया जा रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 7 रद्द ट्रेनों का अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत परिचालन शुरू होने जा रहा है। देखिए, रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए पूर्व में दिनांक 24 अप्रैल से रद्द किए गए 7 ट्रेनों का परिचालन अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत करने का निर्णय लिया है, जिसमें ये ट्रेनें शामिल हैं। देखिए, पहली ट्रेन दिनांक 24 अप्रैल 2022 से 23 मई 2022 तक रद्द की गई थी, जिसका गाड़ी नंबर 18237 कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 28 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत रहेगा। दूसरी ट्रेन दिनांक 24 अप्रैल 2022 से 23 मई 2022 तक रद्द की गई, गाड़ी नंबर 18238 अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 28 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत रहेगा। तीसरी ट्रेन दिनांक 25 अप्रैल से 23 मई 2022 तक रद्द की गई, गाड़ी संख्या 12771 सिकंद्राबाद रायपुर त्रि सप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 27 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत रहेगा। चौथी ट्रेन दिनांक 26 अप्रैल से 24 मई 2022 तक रद्द की गई, गाड़ी संख्या 12772 रायपुर सिकंदराबाद त्रि सप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 28 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत रहेगा। पांचवी ट्रेन दिनांक 26 अप्रैल से 22 मई 2022 तक रद्द की गई, गाड़ी संख्या 12807 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 28 अप्रैल 2022 से नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत रहेगा। छठवीं ट्रेन दिनांक 28 अप्रैल से 24 मई 2022 तक 12808 निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 30 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत रहेगा। सातवीं ट्रेन नंबर 18237 कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के रद्द होने के फलस्वरूप रद्द की गई, गाड़ी संख्या 08210 बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल का परिचालन दिनांक 28 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी के अनुसार बिलासपुर एवं कोरबा के मध्य यथावत रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार 7 रद्द ट्रेनों का परिचालन अपने नियमित समय सारणी के अनुसार यथावत शुरू होने जा रहा है। चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।